करते त्रैलोक सुपासी। जिस परमात्मा की सिंधु की बिंदु मिल जाए भक्त सहज में ही भव से पार हो जाता है। वो भगवान कैसे हैं? सो सुखदाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वो तो सुख का सागर है, वो तो करुणा का सागर है, वो तो भक्तों पर किस प्रकार कृपा करूं, सदा निरंतर सदा क्षण भक्तों पर कृपा करने के लिए बैठा है। लेकिन भगवान के उस भक्त भगवान की शरण पर जाएं तब भगवान कृपा करेंगे। भगवान का यह स्वरूप बताया। और क्या? तापत्रय विनाशाय। मुख्य रूप से जो वास्तविकता आज संसार में जीव तप रहा है इन तापों से, वो ताप कैसे हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप। मैं आपको और सरल करके बताता हूं। आप अपने परिवार वालों से दुखी रहते हैं ना? बहुत से लोग दुखी रहते हैं, कहते हैं अपने परिवार वालों से हम बहुत दुखी। यही है दैहिक ताप। अपनों से सताए हुआ जो ताप है, पाप है, वही है दैहिक। दैविक अपने पारिवारिक जनों से जो दुख मिलता है हमें, जो कष्ट मिलता है, वो है दैविक। भौतिक, भौतिक जगत से जो हमें दुख मिलता है उसे कहते हैं भौतिक। यह तीन ताप हैं। इन तीन तापों से संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। इन तापों से उन्मूलन करते हैं, इन तापों से छुटकारा दिलाते हैं कौन? श्री हरि। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जो हमें ऐसे पापों से, तापों से छुटकारा दिलाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से सुंदर यह श्लोक का वर्णन किया कि भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। सत्स्वरूप भगवान का क्या है? भगवान के सुंदर हाथों में मुरली है, भगवान के चरणों में नूपुर है। जब भगवान चलते हैं तो छन छन की आवाज होती है। भगवान के सिर पर मोर मुकुट पीतांबर है, वैजयंती माला है, और अपनी सुंदर अलकावली से, सुंदर अपने मुस्कान से भक्तों को मोहित करते हैं। ऐसा सुंदर भगवान का विग्रह। बिहारी जी में जाइए, बार बार पर्दा होता है, बार बार पर्दा होता है। भक्त कहता है कि कब यह पर्दा हटे, कब मैं बिहारी जी का दर्शन करूं। तो भगवान का ऐसे स्वरूप का वर्णन किया। इधर जो 88,000 सौन का दृषि विराजमान है, सूत जी से प्रश्न करते हैं, क्या अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार में हम सब भटके हुए हैं। अज्ञान है क्या? हमें मरना है परंतु हम स्वीकार नहीं करते हैं, यही अज्ञान है। जाना सबको है परंतु हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन जाना है इस संसार को छोड़कर के, यही सत्य है। अज्ञान, यही अज्ञान है हमारा। जानते हुए भी अज्ञानी बने बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर जो हम कर्म यहां करेंगे उसका फल हमें वहां भोगना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। अरे ठाकुर जी की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, विप्रजनों की सेवा करिए, संतों के द्वारा सत्संग करिए, हंसना रोना गाना, पारिवारिक जनों की सेवा, घर की सेवा, घर के काम काज तो जीवन भर हैं। परंतु ये जो भगवत भजन है ना, ये बहुत कम ही मिलता है। अगर मिले तो पूर्ण लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यही एक ऊपर का रास्ता यही है। जिस प्रकार यहाँ का, यहाँ की नोट, यहाँ का पैसा
यहीं तक चलता है, उसी प्रकार यह नोट ये पैसा वहाँ चलने वाला नहीं है, वहाँ तो आपको नाम रूपी धन चाहिए, वो वहाँ चलेगा। हरी हरी गड्डी लेकर के वहाँ पहुँचना, यमदूत मार करके भगा देंगे कि यहाँ ये नहीं चलता है, यहाँ तो बढ़िया राम का स्मरण चलता है। पूछेंगे जाकर के क्या किया जीवन में, वहां सब लिखा रखा हुआ है। चित्रगुप्त से कहेंगे कि निकालो इनकी कुंडली, क्या लिखा है इनमें। जब देखा कोरा कागज, महाराज कुछ भी नहीं है इसमें। आपके जीवन में अच्छे कर्म होंगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा। आपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, विपरीत फल आपको मिलेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। मत रीझो ऊपर की सफाई पर, क्योंकि हम लोग इसी में लगे हुए हैं। मत रीझो ऊपर की सफाई पर, क्योंकि मिट्टी का, इस सोने का वर्क लगा हुआ है इस मिट्टी के मिठाई पर। ये जितना चमकती है ना, इसको अगर थोड़ा सा भी कर देंगे तो इसकी असलियत पता चल जाएगी। शरीर पर, माया पर और संसार पर, पारिवारिक जनों पर हम इतना मोहित हो चुके हैं कि हमें यह भी भान नहीं है कि हमारे साथ में क्या जाएगा। भागवत आपको क्या सिखाती है? हम भक्त प्रहलाद की कथा को सुनते हैं, कथा को सुनने का सार्थकता नहीं है। आप खूब सुन लीजिए, जब तक आप जीवन में उतारेंगे नहीं तो सुनने का कोई मतलब नहीं। भागवत खूब सुन लीजिए, लेकिन जीवन में आप सुन करके उतारेंगे नहीं तो सुनना व्यर्थ है। हम लोगों ने एक मन बना रखा है कि सुनना है, लेकिन आज तक कभी कहा कि सुन करके मनन करना है? सुनना ही सब कुछ नहीं होता है, सुन करके मनन करना है। अरे कथा से एक शिक्षा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भक्त के चरित्र से ले लीजिए। भक्त प्रहलाद को देखिए, कितने कष्ट सहे, लेकिन कभी भी वो मार्ग से भटके, उसी प्रकार भक्त के मार्ग पर चलते रहे। हम लोगों के सामने कोई एक डंडा लेकर के आ जाए, ठाकुर जी के लिए माला लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, कोई सामने आ गया डंडा लेकर, ए तू नहीं जाएगा, माला ये पड़ी चले अपने घर, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान के मार्ग पर अगर निकले हैं, भक्ति के मार्ग पर निकले हैं, उस कर्तव्य पथ पर दृढ़ विश्वास बना करके चलिए, ठाकुर जी ये आपकी सहायता करेंगे। भक्त प्रहलाद की कथा से यही शिक्षा मिलती है, हर परिस्थिति में भक्त प्रहलाद ने भगवान को भुलाया नहीं है, याद करती रही। द्रौपदी को देखिए, इतने कष्ट के समय में, पहले तो सबका सहारा था, लेकिन जब पता चला कि अब कोई किसी का सहारा नहीं है, तो एकमात्र गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। भक्त ध्रुव की कथा से शिक्षा क्या मिलती है? भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है, भगवान की कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। आज हम लोग कह देते हैं, भैया जाओ भगवान का भजन कर लो, माला ले लो, एक माला थोड़ी भगवान के नाम की कर दो। अरे अरे, अभी क्या करेंगे माला करके, अभी तो बहुत हमारी उम्र बाकी है। बुढ़ापे में भजन होता है, जवानी में भजन थोड़ी ना होता है। ये हमारे शब्द हैं, पर शिक्षा भक्त ध्रुव से लीजिए। क्या उनकी कोई उम्र थी? 5 वर्ष के नन्हे से अबोध बालक वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। शिक्षा लीजिए, यही प्रेरणा है, यही कथा है, और कथा कुछ और नहीं है। हमारे और आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है, घूमते रह जाएंगे माया जंजाल पे। समझने के लिए इशारा काफी होता है। हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसी होगी, यह हमें अच्छी तरह पता है। निश्चिंत होकर के अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। भक्तों के चरित्र, भक्तों की कथाओं से अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, भरे पड़े हैं। नरसिंह जी को देखिए, क्या था उनके पास,
लेकिन सिर्फ क्या था, हमें श्याम सहारा तेरा है, हमें कृष्ण सहारा तेरा है। और एक ही भाव कहते थे क्या, हमें श्याम सहारा तेरा है, हमें श्याम श्याम सहारा तेरा है, हमें श्याम सहारा तेरा है, हमें कृष्ण सहारा तेरा है, हमें कृष्ण सहारा तेरा है, हमें श्याम सहारा क्या प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगानी की कि जब उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। तो भैया एक ही भाव होना चाहिए क्या, हमेशा सहारा हमेशा सहारा तेरा है, हमें कृष्ण सहारा तेरा है, हमें कृष्ण सहारा तेरा है, हमेशा सहारा तेरा है, हमेशा सहारा। जोड़ करके ताली सेवा करें, हमेशा सहारा तेरा है, हमें श्याम सहारा, सभी लोग हमें श्याम सहारा तेरा है, हमें श्याम सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा हुए
वो किशोरी जी को अपना बहन मानते थे, बहन मानते थे। एक बार जब रक्षाबंधन का पर्व आया, निराश होकर के बैठ गए कि सबकी कलाई में राखी है पर मेरी कलाई में राखी नहीं। समझ गए कि मैं अपने बहन से जाकर के नहीं कह सकता हूं, अपने जीजा जी से जाके कहूंगा। पहुंच गए मां के बिहारी मंदिर और बैठ गए। निराश थे, कलाई को बार बार देख रहे थे और बिहारी जी की तरफ देख रहे थे, और एक भाव यही, हे प्रभु संसार में सबकी बहने हैं, इस रक्षाबंधन के पर्व पर सबके हाथों में कलाई में राखी है, पर अभागा ये भाई आज ऐसे बैठा हुआ है, मेरी बहन ने मुझ पर राखी नहीं बांधी, मेरी कलाई सोनी है। और जाकर के एक ही भाव गाने लगे, यही क्या कि मैं जानता हूं कि मेरी बहन मुझे मेरी कलाई पर राखी बांधेगी, परंतु आपके कहने की देरी है, और मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों मेरे सन्मुख होकर के आए और आप दोनों मुझे दर्शन दे करके मेरी कलाई पर राखी बांधे। बहन तो मेरी आ जाएगी, परंतु आप भी आओ। तो जाकर के यही भाव कहने लगे, क्या हम श्याम सहारा तेरा, हम श्याम सहारा तेरा है, हे कृष्ण सहारा श्याम सहारा तेरा है, घन श्याम सहारा तेरा है। और विचार करने लगा कि मैंने अपने बहन को बहन तो मान रखा है, क्या मेरी बहन मुझे पहचानेगी, और बिहारी जी के दरबार पर बैठकर के रोने लगा, आंखों से अश्रु प्रवाह कर रहा है, एक खंभे का सहारा लेकर के बिहारी जी को देखते हुए रो रहा है। मैं आज राखी बंधवाऊंगा तो अपनी बहन श्री राधा से, और आपको भी आना पड़ेगा, आप जब तक नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा, आपके सामने ही मैं अपनी बहन के हाथ से आज कुछ मिठाई खा करके, कुछ खा करके इस कलाई सोनी कलाई पर राखी बंधवाऊंगा। रोने लगा, रोता रहा, सुबह का प्रहर निकल गया, दोपहर का प्रहर निकल गया, शाम का प्रहर भी निकल गया, रात आ गई, रोता रहा, और एक ही भाव, क्या हमें श्याम सहारा तेरा है, हमें श्याम सहारा तेरा है, हरे कृष्ण सहारा हो गया। धीरे धीरे जब रात्रि वेला आ गई, भगवान बाके बिहारी सन्मुख प्रकट हो गए, कहने लगे, हे भक्तराज, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूं, खड़े होइए। लेकिन भक्त अचेत अवस्था में पड़ा था, बिहारी जी ने अपना वह चरणामृत लिया, और जैसे ही अपना वह चरणामृत भक्त के नेत्रों पर जैसे चिंचन किया, भक्त के नेत्र खुल उठे और क्या देखा कि
सामने प्रत्यक्ष मेरे बांके बिहारी खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हमेशा सहारा तेरा, हमेशा सहारा तेरा। ठाकुर जी ने कहा, आप दुखी क्यों हैं? प्रभु, आज रक्षाबंधन का पर्व है, मेरी बहन ने अभी कलाई में राखी नहीं बांधी। मैं भोजन तभी करूंगा जब मेरी बहन मेरे कलाई में राखी बांधे। ठाकुर जी ने उसी समय राधा रानी को याद किया, हे किशोरी जू, आप बरसाने से चल करके आइए और अपने इस भाई के सुनी कलाई पर राखी बांधी। उसी समय एक थाल लेकर के किशोरी जी भक्त के सामने प्रकट हो गई। बोले, राधा रानी से हो। हाथ में थाली मुस्कुराते हुए किशोरी जी प्रकट हो गई। भैया, अपनी कलाई बढ़ाइए। रोता हुआ भक्त अपनी बहन किशोरी के सामने आज राखी बंधवाने के लिए कलाई को बढ़ाता है। किशोरी जी ने सुंदर कलाई में राखी बांधी और कुछ मिष्ठान खिलाया, जल पान करवाया। रोता हुआ है वह भक्त। वास्तविकता जब कोई भक्त प्रेम से भाव से मेरे किशोरी जी को बुलाएगा, किशोरी जी दौड़ी चली जाएंगे, साष्टांग दंडवत करके लेट गया। आज मैं समझ गया कि जब भी प्रेम से कोई किशोरी जी को बुलाएगा, बिहारी जी को बुलाएगा, दौड़े चले आएंगे। तो इसलिए यही भाव हम सबको जीवन में उतारना चाहिए, क्या हमेशा सहारा तेरा, हमेशा सहारा तेरा है। भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार जो भी भक्तजन भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, भगवान जरूर आते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान, तीर्थ पर विराजमान सोनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न किया, सूत जी ने सुंदर उत्तर दिया और बोले, मैं आपको ऐसी कथा श्रवण करा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि जगह जगह कथा होती है, जगह जगह सुन लेंगे, लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा है। एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, उसी समय देवता स्वर्ग से, देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के, जैसे आप और हम कथा श्रवण करा रहे हैं, सुन रहे हैं, बीच में खड़े हो गए, और जैसे हम कथा श्रवण करा रहे हैं उसी तरह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। मंच पर ऐसे बैठे थे। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज मेरे हाथ में यह अमृत का कलश है, ये आप ले लीजिए, और यह अमृत 7 दिवसीय श्रापित राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत के पीने से राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये जो भागवतामृत है ये आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी का माथा ठनक गया। सुखदेव जी ने कहा, अरे ठगिया, सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। यहां पर स्वार्थ छुपा हुआ है। जब कोई आपके हित के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए ना, तो समझ लेना कि इसके पीछे कोई राज है।
देवराज इंद्र ने कहा ये अमृत है राजा परीक्षित को पिलाइए, भागवत अमृत हमें पिलाइए। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, अरे ठगिया हूं, तुम्हें पता है कथा कैसे सुनी जाती है? तुम्हारे ना तो अंदर भाव दिख रहा है, ना तो श्रद्धा दिख रहा है, ना तो विनम्रता दिख रही, किस भाव से तुम कथा सुनने के लिए आए हो? जैसे कोई बहुत बड़े अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनको यह भी पता नहीं होता हमें किसके सामने झुकना चाहिए किसके सामने नहीं झुकना चाहिए। आए सोफे पर बैठ गए जैसे आराम, हम तो हम बाकी कोई नहीं। ऐसे ही देवराज इंद्र की स्थिति थी, उसे अभिमान था कि मैं एक बार जब कहूंगा तो मेरे कहने से यह कथा मुझे पिला दी जाएगी और अमृत राजा परीक्षित को पिला दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, बोले जाओ अमृत को ले जाओ, क्योंकि ये जो आपका अमृत है ये है कांच और जो हमारी जो भागवता अमृत है वो है मणि। कांच और मणि में कभी समता हो सकती है, बराबरी हो सकती है? अरे कहां मणि कहां कांच, ये तो बहुमूल्य मणि है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये तुच्छ अमृत, ये कांच रूपी अमृत लेकर के आए हो? बोले ले जाओ। अरे अमृत पी करके तो हमारी आत्मा अमर हो जाएगी, क्या भगवान की भक्ति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। भागवत सुनने के बाद हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर अमृत पीने के बाद जरूरी नहीं है कि हम भगवान को पालेंगे। इसलिए डांट करके भगा दिया, चले गए। और जब स्वर्ग पर पहुंचे, ब्रह्मा जी से शिकायत की, देवर्षि देवराज इंद्र ने कहा महाराज ऐसे ऐसे ये बात हुई, ठुकरा दिया अमृत। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि अमृत को ठुकराने वाला, इसका मतलब भागवत साधारण नहीं है। तो भागवत का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू पर एक तरफ भागवत जी को विराजमान कर दिया, एक तरफ समस्त जितने भी धर्म ग्रंथ साधन हैं, वेद शास्त्र हैं, सबको रख दिया। अब जिसमें वजन होगा वही तो पलड़ा झुकेगा। वजन किसमें था? जिसमें भागवत जी विराजमान थे। पलड़ा झुक गया, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हमसे बड़ी भूल हुई है, हम समझ गए कोई साधारण पोथी नहीं, यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उस दिन से साबित कर दिया कि वास्तविकता ये भागवत कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, स्वयं कृष्ण है। तो यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवराज इंद्र को डांट करके भगा दिया था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। जब भाग्य का उदय होता है तब ऐसे बैठ करके कथा सुन पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं अनंत जन्मों के जब धीरे 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 यह हमारे ये जो पुण्य पुंज हैं जब ये एकत्रित होते हैं तब ऐसे अनुष्ठान, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन और ऐसी कृपा को हम प्राप्त करते हैं। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। इस कथा को सुन करके जीव मात्र के हृदय में विवेक की उत्पत्ति होती है। सनत सौनकादृशियों को सूत जी ने सुंदर यह कथा श्रवण कराई। प्रश्न किया है कि यह साप्ताहिक परंपरा कैसे चली, तब बताया कि यह साप्ताहिक परंपरा सनत कुमारों ने और देवर्षि नारद जी ने प्रारंभ की थी। बोले कैसे? क्योंकि देवर्षि नारद जी 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जगह कहीं टिकते नहीं, नारायण 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 चारों तरफ घूमते रहते हैं। और सनत कुमार जो चारों ऋषि हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं, तो इनका मेल कैसे हुआ ये बताएं। तब सौनकाद ऋषियों ने सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। आप लोग भी श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं संसार में भ्रमण करने के लिए जाऊं, और भ्रमण करने के लिए जाऊं वहां क्या देखूं जाकर के कि कौन सा ऐसा स्थान है
जहाँ मेरा मन लग जाए और मन लगा करके भगवान का भजन करूं। यत्र तत्र चारों तरफ गए, कहीं शांति नहीं मिली, तब कहां पहुंचे? श्री धाम वृंदावन। इधर खिन्न मना नारद जी जब परेशान हो गए, तब बद्री विशाल बद्रीनाथ पहुंचे तो क्या देखा, नारद जी चले जा रहे हैं और वहां से चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों उतरते चले आ रहे हैं। दोनों संतों का, उन चार संतों का और नारद जी का समागम हुआ। नारद जी के लटके हुए मुखमंडल को जैसे सनत कुमारों ने देखा, प्रश्न कर दिया, हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुताश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या चिंता है आपका मुखमंडल इस तरह लटका हुआ क्यों है? तब नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, संत की स्थिति तो एक संत ही समझ सकता है, भक्त की स्थिति एक भक्त ही समझ सकता है। जब किसी पर दुख आता है तो दुखी व्यक्ति ही उसके दुख को समझ सकता है। बोले, सविस्तार अपनी एक घटना सुनाओ, क्या हुआ? तब बताया कि महाराज, मैं एक बार भ्रमण करने के लिए गया, यत्र तत्र भ्रमण करते हुए मैं बहुत जगह पहुंचा, बहुत स्थानों पर गया, परंतु शांति नहीं मिली। तब मैं श्री धाम वृंदावन गया और जब वृंदावन गया तो क्या देखा, एक कौतुक देखा कि यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है और उस युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में। उसको मैंने देखा और भी क्या देखा कि कई स्त्रियां, कोई पंखा जल रही है, कोई उसको सात्वना दे रही है, कोई उसको जल पान करा रही है, कोई उसको चुप करा रही है। लेकिन मैंने विचार किया कि यह स्त्रियों का समुदाय है, मुझ पुरुष को स्त्रियों के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। यह सोच करके मैं जैसे ही वापस जाने लगा तो उस युवती ने रोते हुए आवाज लगाई, क्या, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मापिना सया। अरे रुक जाओ रुक जाओ, भो भो साधो, रुको रुको, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे दुख का समाधान करते जाइए। जब यह बात कही तब उसी क्षण युवती की आवाज को सुनकर के देवर्षि नारद जी स्तब्ध हो गए। लौट करके पहुंचे, युवती से पूछा, आप हैं कौन और आपने मुझे बुलाया क्यों? तो उस युवती ने अपना परिचय दिया देवर्षि नारद जी को और कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता हिमौ में तनया मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है और जो मेरी गोद पे अचेत अवस्था में दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अपना परिचय अच्छी तरह दीजिए, कहाँ से आई हैं आप, कौन है? तब देवर्षि नारद जी को भक्ति महारानी कह रही हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम प्रद्युम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में से मैं उत्पन्न हुई,
वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में कुछ कुछ मेरा सम्मान हुआ। बलि बढ़ी। द्रविण देश क्या है? मन है द्रविण देश। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः। और जैसे ही इन कर्नाटक, ये कान ही कर्नाटक है, इन कान के माध्यम से जैसे मैं भक्त कथा सुनते थे, मेरा धीरे 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 सम्मान होने लगा। मैं, मेरी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो गई, मैं, मुझे सम्मान मिलने लगा। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, मुखमंडल के द्वारा जब मेरा कीर्तन होता था, थोड़ा थोड़ा सम्मान मुझे मिलता था। लेकिन गुर्जरे जीर्ण ताम गतः, जैसे ही इस संसार पर आई और आकर के मानव समाज को देखा, भक्तों के समुदाय को देखा, क्या कहते हैं, धीरे धीरे लोग मेरी भक्ति करना बंद कर दिया, भगवान की पूजा को करना बंद कर दिए। इसलिए मैं धीरे धीरे करके फिर जीर्ण हो गए। जीर्ण यानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाना। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम। जीर्ण हो गई। लेकिन जैसे ही गुजरात से मैं चली, वृंदावन आई, और जैसे ही वृंदावन में आकर के यमुना जी में स्नान किया, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभु, जैसे ही इस यमुना के पावन पुलिन पर, यमुना तट पर, यमुना जी पे स्नान किया, पुनः फिर से मैं नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे, यह वृद्धावस्था को प्राप्त, जीर्ण हो गए। क्योंकि भैया आजकल भक्ति सब करते हैं, ना तो कोई ज्ञान को स्वीकार करता है, ना वैराग्य को स्वीकार करता है। आपसे कह दिया जाए जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, करोगे? अरे भैया हमारा घर ही वन है। तो वैराग्य यानी वैराग्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वो जर्जर होते जा रहे हैं। ज्ञान, ज्ञान कौन अर्जित करना चाहता है? कोई नहीं। थोड़ी सी शिक्षा मिली, धन अर्जित करना, धन कमाना, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। भक्ति प्रधान है। जहां देखो वहीं कभी निशान यात्रा हो रही है, कभी बाबा के जयकारे लग रहे हैं, कभी बाबा के आगमन की प्रतीक्षा में लोग सुंदर उत्सव मना रहे हैं, यह है भक्ति। तो भक्ति तो लोग कर रहे हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य से कोई नाता नहीं, इसलिए वो जर्जर अवस्था को हो गए। जब ऐसी स्थिति सुनाई, बोले आप चिंता ना करें, मेरा नाम देवर्षि नारद है। भक्ति महारानी ने कहा मैं पहचान गई, और मैं जानती हूं कि आप मुझे मिल गए तो मेरे, मैं अपने पुत्रों के इन कष्ट को दूर कर सकूंगी, आप मेरे पुत्रों को कष्ट से दूर कर सकेंगे, मैं ये भली भांति जानती हूं। सात्वना देकर के देवर्षि नारद जी ने बोले आप चिंता नहीं करिए, यहीं विराजमान रहिए, मैं आपके पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति हो कोई उपाय करता हूं। देवर्षि नारद जी ने कान पर वेद मंत्रों का उच्चारण करके बार बार वेद वेदांत घोषों का पाठ किया, गीता पाठ बार बार किया, परंतु थोड़ी चेतना आ जाती, फिर अचेत हो जाते। सतत प्रयास किया, हार गए। भैया वैद्य के पास जितनी चूरन चटनी होगी उतनी चटा दी, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलेगा, तो वैद्य तो परेशान हो जाएगा, भैया ऐसी कौन सी बीमारी है। चल पड़े कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। जब परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद जी, आप चिंता ना करें, आप सत्कर्म करें, सत्कर्म करिए नारद जी, आपको जरूर मिलेगा फल। आकाशवाणी को सुनकर के अब सत्कर्म क्या है, बोले संतों से आपको यह सत्कर्म पता चलेगा, जाओ उसकी खोज करो। देवर्षि नारद जी यत्र तत्र खोजते हुए जब किसी ने नहीं बताया तो बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, और सनत कुमारों से अपनी यह दशा सुना ही रहे थे। बोले यही मेरा कष्ट है,
सनत कुमार ने कहा कि इतनी छोटी सी बात, अरे ठाकुर जी का भजन करो, सत्संग करो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा अपने आप दूर हो जाएगा। बोले क्या करें? बोले भागवत का आयोजन करो। जब आप भागवत का आयोजन करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य की जो जर्जरत अवस्था है वो दूर हो जाएगी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष वर्तते हरे। हे देवर्षि नारद जी, आप चिंता ना करें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपाय हमारे पास है। बोले क्या करें? बोले आप भागवत भगवान का आयोजन करिए, भागवत कथा कराइए। बोले कैसे? बोले ज्ञान और वैराग्य के निमित्त वो जर्जर अवस्था से दूर हो जाएं, बुढ़ापे से दूर हो जाएं, उनको कथा सुनाइए। देखिए, जो अपने पितरों के निमित्त कथा सुनता है, इस कथा के श्रवण करने से पितर सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि पितर कभी कोई अपेक्षा नहीं रखते। पितर इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि भक्त, मेरा पुत्र, मेरी संतति मुझे याद करके मुझे कथा श्रवण कराता रहे। मरे हुए को अगर कथा श्रवण करा दिया जाए, प्रेत बनकर के भटकता हुआ हो उसको कथा श्रवण करा दी जाए, नियम पूर्वक अगर कथा होती है, वह जरूर निश्चित रूप से उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। जिसके संतान ना होती हो, नियमित रूप से संतान गोपाल भगवान का पूजन करे, उसका अनुष्ठान कराए और कथा श्रवण करे 7 दिन पर्यंत नियम से, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। देवर्षि नारद जी को सांत्वना दी, आप चिंता ना करें। बोले महाराज, आपने भागवत कथा कराने के लिए कह तो दी, लेकिन यह आयोजन हम करें कहाँ? तो बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार चलो, हरिद्वार में आनंद राम का तट है गंगा जी के किनारे, वहीं सुंदर यह आयोजन करो। और बोले धूमधाम से इस आयोजन को करना। देवर्षि नारद जी ने आज्ञा लेकर के और हरिद्वार पहुंचे, सुंदर कथा की तैयारी की, 4 व्यास मंच बनाए बालुका में और 3-4 आसन बिछा दिए ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए और एक स्वतः के लिए। मुख्य रूप से श्रोता बनकर के देवर्षि नारद जी बैठ गए। हम किसके निमित्त कथा श्रवण करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, वो कौन है? भक्ति और ज्ञान वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, उनके निमित्त मैं कथा का आयोजन कर रहा हूं, ऐसा भाव रख करके देवर्षि नारद जी बैठ गए। चारों प्रवक्ता, चारों वक्ता, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि आकर के विराजमान हो गए। जिस जिसको पता चला वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। बोले भैया कथा कौन सुन रहे हैं? बोले देवर्षि नारद जी। बोले सुना कौन रहे हैं? बोले चारों ऋषि। बोले किसके निमित्त कथा हो रही है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त। जो गुरुजन हैं अपने शिष्यों के पास साथ पहुंचे, जो गृहस्थी हैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे, भारी संख्या में भीड़ लग गई। 4 व्यास बैठे हुए हैं, श्रोता रूप में नारद जी विराजमान हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और एक ही प्रश्न किया देवर्षि नारद जी ने, क्या प्रभु इस कथा की महिमा क्या है? तब सनत कुमारों ने बताया कि हे नारद जी, इस कथा को जो भी नियम से श्रवण करता है उसकी मुक्ति निश्चित ही संभव है, और कथा कौन श्रवण करे इसका भी बताया। बोले महाराज, इस कथा को कौन कौन से पात्र सुने, इसको कथा सुनने से होता क्या है ये बताएं। तब बताया
अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वद तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जन्म लेकर के जन्म पर्यंत, जन्म लेकर के अब तक जीवन पर्यंत उसने कभी भी पुण्य कर्म ना किए हो, कभी भी सत्कर्म ना किए हो, कभी भी ब्राह्मणों की सेवा ना की हो, उसने गौ हत्या की, ब्रह्म हत्या की, ये सब करने के बावजूद भी अगर वह भक्त आर्त रूप से भाव से एकाग्र होकर के अपने पापों का प्राश्चित करते हुए भागवत कथा श्रवण करता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वह मुक्त हो जाता है। बोले महाराज और कौन से पापी मुक्त हो सकते हैं? बोले इस कथा की इतनी महिमा है, आप गंगा मत जाइए, काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार रामेश्वर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके घर में भागवत का आधा श्लोक भी गाया गया उसी स्थान पर समस्त तीर्थ वास करते हैं, वह घर आपका तीर्थ रूप ही हो जाता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना अनायेशेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मन को एकाग्र करके भगवान की अगर हमने भागवत कथा श्रवण कर ली हमें अपने आप समस्त फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या बताया? ये मानवा, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा उसने पाप ही किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा दुराचार प्रवृत्ति जिसकी प्रवृत्ति बनी रही हो और सदैव वो अधर्म के मार्ग पर चलता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना जो क्रोध रूपी अग्नि में सदा सर्वदा हर क्षण जलता रहा हो, जो कुटिल भी रहा हो कामी भी रहा हो, ऐसे पापी ऐसे ऐसा जीव भी भगवान की इस कथा को श्रवण करता है मुक्त हो जाता है। और क्या? पंचो कृपापाश्छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। स्तेयुः सुरापुः मित्रधुक् ब्रह्महत्या परस्त्री गमन ये पंच उग्र पाप कहे गए। ध्यान दीजिएगा सभी, पंच उग्र पाप किसे कहते हैं? जो सुवर्ण सोने की चोरी करता है, जो मदिरा पान करता है, जो मित्र से विश्वासघात करता है, जो ब्रह्महत्या करता है, जो पराई स्त्री से संग करता है, यही है पंच उग्र पाप, पंच महापाप। इन पापों से बढ़ करके कोई और पाप है ही नहीं। ऐसा पाप करने वाला भी जीव अगर भाव से भगवान की कथा सुनता है, भागवत श्रवण करता है, वह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जब ऐसी महिमा भागवत की बताई उसी समय भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ उस स्थान पर ताता थैया करके नाच उठी और अपने आसन पर विराजमान हो करके सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने लगी। देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न किया, बोले हे प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिसने जन्म लिया, जन्म लेकर के कभी उसने पुण्य कार्य नहीं किए, हमेशा उसने पाप किया है, उसने अधर्म किया है, ब्रह्म हत्या की है, लोगों को सताया है, डकैती डाली, चोरी किया, क्या ऐसा व्यक्ति और तो और जो मर गया हो, मरने के बाद वो प्रेत बन गया हो और प्रेत बनते हुए बन करके उसने अगर कथा श्रवण कर ली तो क्या मुक्त हो सकता है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले प्रमाण। बोले इतिहासम पुरातनम। बोलिए इतिहास में कथा है, श्रवण करिए। बोले कैसे?
बोले मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। भाव होना चाहिए वो मुक्त हो सकता है। देखिए संसार में हम आए हैं, जाना सबको है। जीवन में यह जो जीवन की हमें 4 दिन मिले हैं तो हंसी खुशी गुजारिए और सबसे प्रेम से बोल करके सुंदर सबका सम्मान करते हुए और सबसे आशीर्वाद लेते हुए इस जीवन को गुजारिए। सबसे बड़ी बात जो भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके इस जीवन को गुजारे ऐसा जीवन तो हीरा है, हीरा बताया गया है उसको। क्योंकि जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे हम इस संसार से आए हम सोचते हैं कि यह मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह संसार, मेरा यह संबंध मेरे, यह सगे संबंधी मेरे, परंतु यहां कोई नहीं होता। एकमात्र होता है तो किशोरी जी का नाम, बाबा का नाम, कृष्ण का नाम, यही अपना है। आप कभी भी आजमा करके देखिएगा, जब आप बहुत संकट के समय में होंगे, विषम परिस्थिति में होंगे, जो आपका बहुत खास हित ऐसी है, विषम परिस्थिति में, संकट के समय में उससे आप बात करिएगा, उससे कहिएगा कि मेरी सहायता करो, कभी भी वो हित ऐसी आपका साथ नहीं दे सकता है। यह इस व्यास मंच से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संकट के समय आप याद करिएगा, आपको कभी भी वो सपोर्ट नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। अरे ऐसे जीवन में भटकने से क्या मतलब है, ठाकुर के दरबार पे जाइए, माथा पटकिए, अरे वो तो आपको संकटों से उबार देगा। संसार के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, लोगों को देखते हैं, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा पारिवारिक है, ये हमारा सगा है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारी रक्षा करेगा, ये संकट के समय में हमें बचाएगा। सुख भी देने वाला वो है और दुख भी देने वाला वो है। सुख आए तो याद करते हुए सुख को गुजारिए और दुख भी आए तो उसी का स्मरण करते हुए दुख को गुजारिए। क्योंकि जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का जोड़ा है उसी प्रकार सुख और दुख का जोड़ा है। कभी एक बार सुख आएगा तो दुख भी आएगा, जब दुख आएगा तो दुख के बाद सुख भी आएगा। हम लोग भूल जाते हैं, जब संकट मिलता है, दुख मिलता है, बहुत टेंशनें हो जाती हैं, तो भगवान ही को कहने लगते हैं कि तुम्हारा काम किया, टेंशन हमारे खोपड़ी पे आ रही है। दुख में मत घबराइए, दुख में सदा सर्वदा ठाकुर जी को याद करिए, परंतु जितना दुख में याद करते हैं उतने से कई ज्यादा सुख में याद करिए। बहुत से ऐसे हमने भक्तों को देखा है, वृंदावन गए और जाकर के लड्डू गोपाल ठाकुर जी को ले तो आए, एक भाव होता है ले आए, चलो श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, परंतु घर में आने के बाद वो भाव समाप्त हो जाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा, बिठा देंगे एक अलमारी में, 4 चिरौनी का भोज लगा दी, बैठे रहो, और अपना तो बढ़िया, कभी अरे भैया पकौड़ी बनाओ। ठाकुर जी भी सोचते होंगे कि बताओ वृंदावन में था तो रबड़ी की मार लगती थी, पेड़े मिलते थे, 56 भोग मिलते थे, यहां तो चिरौंजी मिल रही है। तीर्थ पर जाइए, कभी भी प्रयास ये मत करिए कि हमें जैसे घर में सुविधा मिलती है वैसे सुविधा हमें तीर्थ पर मिले। एयर कंडीशन रूम आपको घर पे मिल रहा है, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि तीर्थ में जाकर के हम जितना से जितना हम कष्ट पाए उतना हमारे लिए अच्छा है। नंगे पैर चलिए, कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि बिहारी जी के मंदिर के अंदर तक रिक्शा चला जाए, देखते हैं हम लोग बिहारी जी के, भैया बिहारी जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में खड़े होकर के बढ़िया गोलगप्पे लस्सी पीते हैं, और पता चला जाते जाते गेट बंद हो गया, बिहारी जी के पट बंद, खड़े सोचते रहे, बोले अब क्या करें। तो पहला कार्य क्या होता है, तीर्थ में जाने के बाद तीर्थाटन करिए,
लक्ष्य क्या है? बिहारी जी का दर्शन करना। स्नान करिए और सुंदर भाव से ठाकुर जी के लिए माला लीजिए, प्रसाद लीजिए, जाकर के ठाकुर जी को मनाइए, माला पहनाइए, प्रसाद लगाइए। इसके बाद जब ठाकुर जी पाले, इसके बाद खूब जाइए और बाजार पर घूम करके खूब बढ़िया अपनी आत्मा को तृप्त करिए। भाव और नियम यही है, घर के भगवान हमारे बैठे हैं, तो जब तक भगवान को भोग ना लगाएं तब तक स्वतः को भोग ना लगाएं, पहले उनको भोग लगाएं। यही नियम है, यही भाव है। कथा करना हम सबके बस की बात नहीं है, कथा सुनना हम सबके बस की बात नहीं है, लेकिन दो चार नियम आप कर लेंगे यही आपकी कथा है। ठाकुर जी का भजन करिए, घर में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण नहीं कुछ आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 आता है ना, यही सब कुछ है, यही महामंत्र है। तो किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया, क्या कहा है, हम सबको बता रहे हैं क्या, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। कैसे आए थे, खाली हाथ, कुछ लेकर के आए, कुछ नहीं आए, ऐसे आए ऐसे ही जाना है, साथ में एक सफेद कपड़ा जाना है, वो भी कहां तक, अंतिम यात्रा तक, शमशान तक बस। तो क्या कहना है, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, क्या, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा ले, मन मंदिर में सभी लोग ऐसी ज्योति जगा ले, राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले, राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले, राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले, राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले, सुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए, कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए, जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए, जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए, जीवन सफल
फल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। फल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। अरे वाह, सभी लोग हाथ जाकर के ताली शुरू। सभी लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। राधा नाम सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। 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 वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। 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 जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। राधा श्री सांवरिया की मोहन सूरत पे सब मर मर जाए। सांवरिया की मोहन सूरत पे सब मर मर जाए। सांवरिया की मोहन सूरत पे सब मर मर जाए। सांवरिया की मोहन सूरत पे सब मर मर जाए। और भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। और भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। और भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। और भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। बंसी की धुन सुनकर शुद्ध बुद्ध बिसराएगा। बंसी की धुन सुनकर शुद्ध बुद्ध बिसराएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे
जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे आए थे आप लोग, खाली आए थे कि मुट्ठी बांध करके आए थे? खाली आए थे ना, जाना कैसे है? तो काहे के लिए मैमे में लगे हुए हैं आपको? मेरा 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 दिन भर यही चलता है। एक भक्त था, भगवान के पास पहुंचा, बड़ा हठी भक्त था। भगवान ने पूछा कहां से आए हो, तो अपने मकान का एड्रेस बता दिया। बोले मैं यहां से आया हूं। बोले कहां से? बोले मुलताई से। तो बोले आप अपना एड्रेस बताइए, आप कहां से आए? बोले मुलताई से। बोले वो आपका थोड़ी ना है, मुलताई तो पहले भी था, आप तो अभी हुए हैं, वो आपका थोड़ी नहीं, आप अपना बताइए। तब जब बात नहीं बनी तो उसने मुलताई को छोड़ा, अपनी दुकान का एड्रेस बताया। जब हार करके एक संत के पास पहुंचा, संत भी वैसे ही मिले। बोले महाराज मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मैंने सोचा है भगवान आकर के दर्शन देते हैं। तो संत महात्मा ने कहा हाँ समझ लीजिए दर्शन देते हैं आकर के, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर भी आए। बोले ठीक है आएंगे, लेकिन पता तो बताइए तब तो भेजेंगे हम। बोले एड्रेस भेज दीजिएगा हमारा भगवान के पास। बोले ठीक है एड्रेस बताइए। तो बोले हमारा ना हमारा स्थान है मुलताई। बोले मुलताई आपका थोड़ी ना है, वो तो किसी और का था, पहले भी था, वो तो आप तो अभी हुई है, कोई दूसरा बताइए, जहां पर आप मिले वहां पर आप नहीं मिल सकते। बोले महाराज मेरा ही एड्रेस है वो, मैं वहीं रहता हूँ। बोले वो आपका नहीं है। तो बोले ठीक है दुकान पर मैं मिलूंगा, दुकान का एड्रेस लिख लीजिए। संत ने कहा दुकान का एड्रेस भी आपका नहीं है, आप अपना एड्रेस बताइए, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं। बोले महाराज मैं वहीं मिलूंगा। बोले आप वहाँ से नहीं आए, आप वहाँ के नहीं है, वो आपका एड्रेस नहीं है, आप अपना एड्रेस बताइए। कहने का अभिप्राय ये है संसार में हमने अपने घर को अपना मान बैठा है, इस शहर को अपना मान बैठा है, रिश्तेदारियों को अपना मान बैठा है, सगे संबंधियों को हमने अपना मान बैठा है, परंतु यहाँ अपना कोई नहीं है, अपना तो जहां से आए थे वही अपना है। संत कथा ब्राह्मण बार बार यही भक्तों को समझाना चाहते हैं कि समझ जाइए यहाँ कुछ नहीं है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कोई सीने पर हाथ रख करके कह दे कि मैं जीऊंगा सात दिन, सात दिन तो क्या एक सेकंड का एक क्षण का भी भरोसा नहीं। क्यों हम परेशान हैं माया मोह में दुनियादारी में? भगवान ने सुंदर यह तन दिया है, खूब इसका देखभाल करिए, खूब पेट भरिए और क्षुधा शांत करके भगवान का भजन करिए। दुनिया में मत फैलिए और इस माथा को मत घुमाइए, बुद्धि को जितना घुमाएंगे उतना आप जगड़ते चले जाएंगे माया में, माया में कुछ नहीं मिलने वाला है। भूमि परत भा ढाबर पानी जिमी जी वही माया लपटानी। जिस प्रकार वर्षा की बूंद जब आकाश से स्वर्ग से गिरती है, ऊपर से आकाश से गिरती है, बादल से गिरती है, तो वह बूंद स्वच्छ होती है, वह जल स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे संसार में गिरता है, इस धरती पर गिरता है, इस मिट्टी पर गिरता है, तो वह स्वच्छ बूंद भी मटमैली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब यह जीव गर्भ में आता है तो पुरानी क्या कहानी थी सब याद रहता है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आया पुराना सब भूल गया और नए में जकड़ गया, माया में जकड़ जाता है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। इसलिए माया में ना उलझते हुए ना फंसते हुए श्याम का सहारा लेते हुए इस जीवन को हमें बढ़ाना है और भगवान को पाना है।
कथा श्रवण कराई कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव कौन? आत्मा देवत्व दर्शनम इति आत्मदेव, आत्मा में जो प्रभु का दर्शन करे वही आत्मदेव है। हम सब आत्मदेव हैं, हम सब आत्मदेव हैं। जरूरी नहीं है कि बद्रीनाथ जाए तब हमें बद्री विशाल के दर्शन होंगे। ध्यान लगाइए, भाव आपका अच्छा है तो आत्मा में भी बद्री विशाल विराजमान है, दर्शन करें। आत्मा देवत्व दर्शनम इति आत्मदेवः। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुंधली। धुंधली, धुंधली यानी से धुंधला धुंधला दिखी। हम सब धुंधली भी हैं। कैसे हैं? जानते हैं कि हमें मरना है, स्वीकार नहीं करते। जानते हैं कि भगवान की भक्ति को करके हमें मुक्त हो जाना है, पर हम भगवान का भजन नहीं करते। जानते हैं कि ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे, विप्रों का सत्कार करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे, हमें फल की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी अनभिज्ञ हैं, जानते हुए भी अनजान बनते हैं। दुनिया में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, परंतु हमें हमारी यह नेत्रों में धुंधला धुंधला दिख रहा है, यही है धुंधली। उसे कुछ भी अच्छा ना दिखाई देना। और धुंधकारी, धुंधली को एक और बताया, एक नाम और दिया, धुंधम कलहति इति धुंधली। जिसे कलह अत्यधिक प्रिय हो उसे कहते हैं धुंधली। लड़ना झगड़ना लड़ाना उसे बहुत पसंद हो उसे धुंधली कहते हैं। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी भी हम सभी हैं। भाव अच्छा है, मन अच्छा है तो पाषाण में भी भगवान दिख जाते हैं, लेकिन अगर भाव हमारा गया तो सामने भगवान कितना बैठे रहे, प्रत्यक्ष स्वयं भगवान खड़े हो जाएं, उस भगवान की मूर्ति पर भी हम पाषाण पत्थर ही देखेंगे। ये है धुंधकारी, मतलब मानते हुए को भी ना मानना, वो धुंधकारी, हठी स्वभाव। तो जो आत्मदेव थे इनकी पत्नी थी धुंधली और इनका एक बेटा था धुंधकारी। इस कथा को श्रवण करा रहे हैं सनत कुमार देवर्षि नारद जी को। एक बार आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, इनकी पत्नी थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था इनके पास। जब संतान नहीं थी तो संतान के दुख से व्याकुल होकर के वन में गए। प्रण कर लिया कि जब तक मुझे संतति नहीं प्राप्त होगी तब तक अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं करूंगा। देवर्षि नारद जी एक साधु का भेष बना करके वन पर पहुंच गए और आत्मदेव जी से कहा कि आप परेशान क्यों हैं? हे आत्मदेव ब्राह्मण, क्या परेशानी है मुझे बताओ। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान बिना सब कुछ व्यर्थ है। मैंने इतना इकट्ठा किया, आगे चल करके कौन संभालेगा? मेरे वंश में मुझे पानी देने वाला भी नहीं, इस दुख से दुखी हूं। बैठे बैठे रो रहा था और जैसे ही आत्मदेव जी के पास संत रूप में देवर्षि नारद जी पहुंचे तो कहा, कथम रोदसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वदतुं सबस्त्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चिंता है? बोले, महाराज बस एक ही चिंता है कि संतान मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगी, और मुझे पता है कि आप मुझे संतान की प्राप्ति करा देंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, हमने आपके मस्तिष्क की ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, आपके एक जन्म नहीं सात जन्मों तक आपको संतान सुख नहीं। अब तो और घबरा गए आत्मदेव जी। बोले, महाराज मैं तो इसी जन्म से दुखी था, आपने तो सात जन्म का पूरा खाता बता दिया। मैं तो इसी जन्म से परेशान हूं और आप तो कह रहे हैं कि सात जन्मों तक तुम्हें संतान सुख नहीं है। अब तो मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया। जोर जोर से चिंगारते हुए रोने लगे। बोले, आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने माथा पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगा। संत ने समझाया,
संतान की ममता छोड़ो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी ब्राह्मण थे ही, आत्मदेव जी ने कहा, बोले महाराज आप संत हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, जो जिस पद्धति में होता है उसे वही अच्छा लगता है। आप बैरागी हैं तो आपको लगता है कि बैरागी जीवन बहुत अच्छा है, हम गृहस्थी हैं तो हमें लगता है कि हम गृहस्थी जीवन में बहुत अच्छे हैं। आप क्या जाने, आप बाबा बैरागी। अरे जब छोटा सा नन्हा सा बालक उसके नुपर उसके पैरों में जब पायल बंधी होती है, छुनन छुनन करके अंगने पे डोलता है और तोतली वाणी से पापा पापा कहता, तो कितना आनंद आता है। आप क्या जाने, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मनु पितुवरु माता। जब बालक रो रो करके तोतली वाणी से माता पिता का नाम लेता है, माता पिता को पुकारता है, तो माता पिता का मन कितना प्रसन्न होता है वो हम गृहस्थी जानते हैं, आप बैरागी संत नहीं जानेंगे। इसलिए मुझे संत, मुझे पुत्र ही चाहिए, मुझे पुत्र दो। संत समझ गए कि ये हठी है, मुझे इसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तब देवर्षि नारद जी ने अपनी थैली से झोली से एक फल दिया, बोले जाओ और उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। खुश हो गए आत्मदेव जी, नाचने लगे गाने लगे और बोले महाराज इसके कुछ उपाय हैं? बोले उपाय एक ही है, फल को खिलाना। फल खिलाने के बाद उनसे यह कहना कि नियम पूर्वक रहेंगी, किसी से ना तो किसी प्रकार का द्वेष, ना तो ईर्ष्या, सात्विक स्वभाव, यही नियम है, और भगवान का भजन करेंगे। दौड़ते हुए आत्मदेव जी घर गए और धुंधली महारानी तो ऐसी कि जब तक अड़ोस पड़ोस में चार लोगों के साथ में झगड़ा ना कर ले तब तक उनको चैन नहीं आता। दिन में जब तक दो तीन लोगों से झगड़ा ना हो जाए तब तक उनको खाना पीना हजम हो नहीं होता था। नाचते कूदते फल लेकर के आत्मदेव जी पहुंच गए। अरे सुनते हो देवी? बोले क्या है जी? बोले तुम्हारे लिए फल लेके आया हूँ, हमारे घर संतान होगी। हंस करके धुंधली कहने लगे कि आप भी मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। अरे फल खाने से कभी पुत्र होता है? बोले ये कोई अच्छे महात्मा ने दिया है, सिद्ध महात्मा ने, बहुत अच्छा प्रसाद है, पाओ हमारे यहाँ संतान होगी। असमंजस में पड़ गई धुंधली और किसी तरह बहाना बना करके कहा, बोले ठीक है मैं फल खा लूंगी, आप जाओ। आत्मदेव जी को बहला करके भेज दिया और फल को लेकर के देखने लगी और चिंतित होने लगी। कहने लगी कि अगर इस फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो मुझे कष्ट होगा। यहाँ तक कैसी स्थिति हो जाएगी कि अगर मैं गर्भ में रहूंगी और पता चली घर में लग गई आग तो सब तो निकल के भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। दूसरा कुतर के किया, इतने में सहेली आ गई पड़ोसन बगल वाली। उसकी पड़ोसन ने कहा क्या है बहन? अरे बोले हमारे पतिदेव ये फल दे करके गए हैं और पतिदेव ने कहा है कि इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र होगा। अब चिंतित इस बात से हूं कि अगर मैंने फल खा लिया तो गर्भ होगा। बोले हाँ वो तो होगा, तुम चाहती थी तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं था तो पुत्र होगा। अरे बोले बात ये नहीं है, बात ये है कि गर्भ होगा तो मुझे परेशानी होगी, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, कुछ कार्य नहीं कर पाऊंगी, और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह कि कहीं गांव में घर में आग लग गई तो आप सब तो निकल के भाग जाओगी, मैं तो मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम फल खा लो और नियम पूर्वक फल खा करके रहो, सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। नहीं मानी पड़ोसन की बात, पड़ोसन थक करके चली गई। इतने में उसकी बहन आ गई। हाँ बहन क्या चिंता है? अरे भली आई बहन, अरे बड़े टेंशन में हूँ, दिमाग बहुत माथा खराब चल रहा है, इस फल को लेकर के खड़ी हूँ, क्या करूँ? तू बता, तू तो मेरी बहन है। बोले तू कैसे क्या करना है इसका? बोले मेरे पति इस फल को दे करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस फल को खाने से पुत्र होगा और मैं ये चाहती नहीं हूँ, क्या करूँ? उसकी बहन ने सटीक सुंदर उपाय बताया। बोले तू ऐसा कर, देख तेरे यहाँ धन है,
पर तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, मेरे यहाँ धन नहीं है। तो ऐसा कर, इस फल को तेरे घर पे जो बाहर द्वार पर एक बांझ गाय खड़ी है उसको खिला दे, फल की परीक्षा हो जाएगी। और तू चाहती है कि पुत्र हो, तू गर्भ में नहीं रहना चाहती, इसलिए तू ऐसा कर, मैं अभी गर्भवती हूँ, 9 महीने पश्चात मेरे पुत्र होगा। गुप्त रूप से तू गर्भवती बनकर के 9 महीने रह, तू मुझसे पुत्र ले लेना और मेरे पति को बहुत सा धन दे देना। हाँ बहन हो तो तेरे जैसी। एक क्षण में तुरंत सीधा सा सीधा तूने उपाय बता दिया, बात मान गई, तुरंत दौड़ करके गई, उस फल को लिया और गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी। 9 महीने पश्चात जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, रात्रि में आई और गुप्त रूप से उसको पुत्र दे दिया, धन ले लिया, चली गई। और धुंधली ने ढिंढोरा पिटवा दिया नगर में कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को जब पता चला तो बढ़िया मस्ती में झूमने नाचने लगे, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, बधाई बांटने लगे। और 6 महीने बाद जो बांझ गाय खड़ी थी द्वार पर बंधी थी, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कैसा? सर्वांग पूरा शरीर उनका मनुष्य के जैसा है, उनके जो कान हैं वो गौ के समान हैं। और जब देखा आत्मदेव जी ने तो मन प्रसन्न हो गया है, वाह, एक तो भगवान देते नहीं, जब देते तो छप्पर फाड़ के देते। पहले तो मेरे यहाँ एक एक पुत्र नहीं था, लेकिन आज देख रहा हूँ एक नहीं, आज दो दो पुत्र हैं। नामकरण करने के लिए धीरे धीरे वह पुत्र बड़े हुए, नामकरण करने के लिए बैठे। तो जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं आत्मदेव जी, तो धुंधली ने स्पष्ट कह दिया, देखो 9 महीने मातृ गर्भ में मैंने रखा है, तो नाम तुम नहीं हम रखेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है श्रीमती जी, अगर आपको नाम रखना है तो आप रख लीजिए। तो धुंधली ने क्या नाम रखा? मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब दूसरे पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, उनके गौ के समान कर्ण है, मनुष्य के जैसा संपूर्ण शरीर है, गौ कर्ण इति गौ कर्ण, गौ के कर्ण के समान कर्ण होने के कारण उन पुत्र का नाम पड़ा गोकर्ण। और समय धीरे धीरे बीतता गया, क्या हुआ, जो गोकर्ण थे निष्णात महान विद्वान, परम प्रकांड विद्वान हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, ये जो गोकर्ण हुए बहुत निष्णात विद्वान हुए, और ये धुंधकारी जो हुआ महान खल हुआ, महान उपाक्रमी, महा, यह जैसे मार्ग पर जाता तो क्या देखता कि अगर कोई स्त्री स्वर्ण धारण करके आ रही है, उसके स्वर्ण को चुरा लेता, बालकों को मार देता, चोरी करता, डकैती डालता, जुआ शराब अनेक प्रकार के यह कुकर्म करता, अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। लेकिन इधर गोकर्ण जी महान विद्वान हुए, यह धीरे धीरे जब बड़े हुए विद्या को प्राप्त किया और तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी ने इतना कलह किया, धीरे धीरे जुए में सब पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया, हार गया। एक बार रात्रि में पहुंचा अपनी माँ के पास, जब कुछ नहीं था, माता जी आपके गले में जो ये मंगलसूत्र पड़ा है मुझे दे दो। बोले बेटा जितना था मेरे पास तू सब तो हार गया जुए में, मेरे सुहाग की एक निशानी बची है तेरे पिताजी की, इसको तो गले में रहने दे। बोले अगर तुमने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुम्हें लातों से मारूंगा। आज ये पुत्र कह रहा अपनी माँ को, रोने लगी और रोते हुए वो माँ रात्रि में ही कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। सुबह होते हुए जैसे प्रातः हुई, जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला कि मेरी पत्नी ने ऐसा कर लिया, आज दुखी मन से बैठ गए और सोचने लगे कि
अरे ऐसे पुत्र से तो कुपुत्र रह जाना ही अच्छा था। संत ने सही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं, लेकिन मैंने जबरदस्ती की। और वास्तविकता देखिए, भाग्य का खेल, हट किया, फल मिल गया, फल तो मिल गया, परंतु वह फल पत्नी नहीं खाया, वह फल गाय ने खा लिया। संत ने पहले कहा था तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं है, धुंधकारी उसका पुत्र नहीं था। वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। आज प्रायश्चित करने लगे, आज रोने लगे आत्मदेव, और वन में गए, गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण जी से कहा, हे गोपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। वो धुंधकारी मेरा पुत्र नहीं है, धुंधकारी तो ऐसा अधर्मी और कुपुत्र हुआ है, वो क्या मेरी लाज रखेगा, वो क्या मुझे मानेगा, वो तो अपमान करता है। हे गोपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं तो भगवत प्राप्ति चाहता हूँ, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ, इस माया से मुक्त होना चाहता हूँ। तब गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत का उपदेश दिया, जिसे हम कहते हैं भागवत, गोकर्ण भागवत। कहा, पिताजी, अब तक आप अपना सब कुछ मान बैठे थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अस्थितम्भम स्नायुबद्धम मांस सोडित लेपितम चर्मावरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। इस शरीर को आप अपना मान करके बैठे, कान हैं कब सुनना बंद कर दे कोई पता नहीं, आंख हैं देख रहे हैं कब देखना बंद कर दे, नाक है सुंदर सुगंध ले रही है कब यह सुगंध लेना बंद कर दे, मुख है इस मुख से हम बोल रहे हैं हमारी वाणी कब अवरुद्ध हो जाए कुछ पता नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और पिताजी, देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिशं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। पिताजी, देहस्तिमान सरुधरे अभिमतिं तजत्वं, ये शरीर जो है ना, जिस प्रकार एक दीवाल बनती है, उसमें सरिया भी लगाई जाती है, ईंटें भी लगाई जाती हैं, बालू भी लगाई जाती है, पानी भी लगाया जाता है उसमें, पंच रचित यह है जो देह है, यह शरीर है, आप इसका अभिमान कर रहे थे, यह कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका अभिमान, देहस्ति मांस रुधिरे, इसमें मेद मज्जा रुधिर मांस सब भरा पड़ा हुआ है, इसका अभिमान। जाया सुदादिश सदा ममताम विमुंच, जाया पत्नी सुत पुत्र का इनका सब किया, आपने कहा मुझे ममता है, पत्नी की पुत्र के ममता में आप बंधे हुए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं पिताजी, आज जब आपने देखा, जब अंत समय आया, जब ये परिस्थिति की, जब यह समय आई, सब यह घड़ी आई, तब आपको पता चला कि अपने भी साथ नहीं देते हैं। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। इसलिए पिताजी, इस संसार को छोड़ो और भगवान का भजन करो, क्योंकि मानव अब तू चेत जा बहुरी ना वे रात चार दिना की चांदनी फिर अंधे पिताजी, चार दिनों की चांदनी है फिर जीवन में अंधेरा ही रहेगा, इसलिए माया मोह ममता पत्नी और पुत्र को छोड़िए, भगवान का भजन करिए। और सुंदर श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का उपदेश दिया, बोले इसका पाठ करो। आत्मदेव जी ने सुंदर भागवत के दसम स्कंध का पाठ किया,
और भगवान के सुंदर दिव्य धाम को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं जो संत का संग करता है उसका जीवन संवर जाता है। इसीलिए कहा किसी भक्त ने, क्या भगवान से मिलने का एक बहाना क्या है? सत्संग, वही एक माध्यम है। भगवान आपको ऐसे नहीं मिल सकते हैं। भगवान से जुड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम होना चाहिए, वो है सत्संग। तो क्या किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है, आप भी गुनगुनाएं। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना। जय हो। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है अमृत सागर, जितना चाहो हर लोग आगर, जितना चाहो हर लोग आगर, मुक्ति को सत्संग एक ठिकाना, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, कर्म योगी की चलती शिक्षा, कर्म योगी की चलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा।
जीवन को बनाना है, सत्संग एक बहाना जीवन को बनाना है, सत्संग एक बहाना शाम से मिलने का, सत्संग एक बहाना शाम से मिलने का, सत्संग छुड़ावे काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध लोभ छुड़ावे, विषयों की आंधी से छुड़ावे, विषयों की आंधी से बचावे, यदि कुछ पाना है सत्संग एक बहाना, यदि कुछ पाना है सत्संग एक बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना, कृष्ण से मिलने का सत्संग एक ठिकाना। सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव जी को, आत्मदेव जी की मुक्ति हुई। इधर धुंधकारी अब अकेला हो गया, इसने पांच पांच गढ़गांव को रख लिया, वैश्याओं को रख लिया, जो वो कहे वही करता। वो कहते जाओ उसको मार दो, जाकर के धुंधकारी उसको मार देता, जाओ उसके यहां डकैती डालो, उनके कहने पर धुंधकारी जाकर के डकैती डालता। एक बार उसने उनके कहने पर, वैश्याओं के कहने पर जाकर के एक राज्य में राजा के यहां चोरी की, बहुत सा धन चुरा करके ले आया। गणिका डरने लगी, भयभीत होने लगी कि इतना धन चुरा करके धुंधकारी लेकर के आया है, अगर इसको हमने ठिकाने नहीं लगाया धन को, तो कहीं हम राजा की पकड़ में आ गई तो धुंधकारी तो मारा जाएगा, परंतु धुंधकारी के साथ में हम भी मारी जाएंगी, तो क्या किया जाए। बोले रात्रि वेला है, धुंधकारी सो रहा है, इसको सोते हुए बिस्तर से खाट से इसको बांध दिया जाए और मुंह में अंगारे डालकर इसको मार दिया जाए,
और सारा धन लेकर के चले चले। और जैसे ऐसी योजना बनाई उन गणिकाओं ने, सोते हुए धंधकारी को रस्सियों से बांध दिया, उसके मुंह में बड़े बड़े जलते हुए अंगारे ठूंस दिए। भयभीत होकर के उसके भय से और कष्ट से उसके तड़पते हुए धुंधकारी के प्राण निकल गए। उन वैश्याओं ने उसी घर पर, उसी आंगन पर गड्ढा खोदा और धुंधकारी को उसी में गाड़ दिया और लीप पोत करके निकल गई धन लेकर के। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया। नगरवासियों ने विचार किया कि धुंधकारी कहीं दिख नहीं रहा, अब तक तो बहुत उत्पात करता था। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो एक बार गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से रात्रि की वेला पर उसी नगर पे आए, अपने घर पर आए। विचार किया कि मैं किसी को जगाऊं नहीं, किसी को बुलाऊं नहीं, क्योंकि रात्रि वेला में आया हूं, सब लोग शयन कर रहे होंगे, सबको परेशानी होगी, क्यों ना जाकर के अपने उसी घर में मैं विश्राम करूं। कमंडल लेकर के जाकर के उसी अपने घर में विश्राम करने लगे। तो जब विश्राम की अवस्था पर पहुंचे तो क्या देखा कि कभी भैंसे की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी सिंह की दहाड़, कभी अनेक प्रकार की छाया दिख करके, मतलब गोकर्ण जी को कोई भयभीत करना चाहता है। गोकर्ण जी समझ गए कि मुझे कोई भयभीत करना चाहता है। गोकर्ण जी ने उस कमंडल से हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जल जैसे ही उस आत्मा पर, उस छाया पर फेंका, वो छाया, वो प्रेत आत्मा बोल उठी कि मैं कौन हूं, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपने कर्मों के भोग से, कर्मों के फल स्वरूप मैं प्रेत बन गया हूँ। हे गोकर्ण, हे गोपुत्र, हे बड़े भैया, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। बोले मैंने तो सुना था तुम्हारे लिए, मैंने गया में श्राद्ध कर्म किए, पिंड दान दिए। तब धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप ऐसे जाकर के 100 श्राद्ध 100 पिंड दे दें, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ। मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, मैंने बहुत अधर्म किया है, मैंने बहुत पाप किया है, उस पाप के फल स्वरूप मैं आज प्रेत बन गया हूँ। हे भैया, इस प्रेत योनि में मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मेरा उपाय करिए, मुझे मुक्त करिए। बोले तुम अभी इधर से जाओ और प्रातः होते हुए मैं तुम्हारी मुक्ति का कुछ उपाय करूँगा। धुंधकारी उसी समय चला गया। प्रातः होते ही समस्त विद्वानों को बुलाया गोकर्ण जी ने, सबसे राय ली, परंतु किसी ने किस अनुष्ठान को श्रवण करके, उस अनुष्ठान को करके धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए, किसी ने ऐसा उपाय नहीं बताया। तब आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता सुखादिभिः। अरे हे गोकर्ण पुत्र, हे गोपुत्र, अगर तुम प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए आप श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, उस धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। आकाशवाणी जैसे सुनी वैसे ही गोकर्ण जी ने सबको आदेश दिया, सुंदर व्यास मंच बनाया, गोकर्ण जी विराजमान हो गए, चारों तरफ निमंत्रण भेजा, दूर दूर से लोग आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई, प्रथम चरण, प्रथम दिन की कथा को शुभारंभ किया, धुंधकारी का आवाहन किया, हे भैया धुंधकारी, आप प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, आपकी मुक्ति के लिए मैं कथा का आयोजन मैंने किया है, आओ आप बैठ करके कथा श्रवण करो। अब धुंधकारी तो प्रेत है, हवा है, पूरब की तरह हवा चले तो पूरब की तरह धुंधकारी चला जाए, पश्चिम की ओर चले तो पश्चिम की ओर, स्थाई बैठ नहीं पाता था, कथा सुन नहीं पाता था।
तो धुंधकारी ने क्या देखा, एक बांस लगा हुआ है सप्त ग्रंथी, और क्या देखा, उस बांस की नीची ग्रंथ पे एक छिद्र है, उसमें जाकर के धुंधकारी बैठ गया और विधि विधान से नियम पूर्वक कथा सुनने लगा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह से सप्त ग्रंथी विभेदनम। जैसे ही 7 दिन की कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी क्या देखते, वो सप्त ग्रंथी बांस एक एक दिन करके एक एक ग्रंथी फटती गई, और जब 7वें दिन की कथा श्रवण की और विश्राम की वेला हुई, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी आज देव रूप में प्रणित हो गया, पीतांबर धारण कर किए हुए प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में, और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड विनाशनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड विनाशनी। धन्य है यह श्रीमद् भागवत कथा जो इस प्रेत योनि में पड़े हुए मुझ जैसे पापी धुंधकारी को भी मुक्त कर दिया। धन्य है यह श्रीमद् भागवत कथा। और जैसे ही कथा श्रवण करके देव रूप में धुंधकारी आए, धुंधकारी के समक्ष देवता स्वर्ग से भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में आकर के विमान लेकर के देव धुंधकारी के सामने प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया ये विमान किसके लिए आया है? तब देवदूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा, भगवान श्री हरि ने यह विमान धुंधकारी के लिए भेजा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भागवत तो सब लोगों ने श्रवण की है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले, सुनने सुनने में अंतर होता है। ये श्रवण का भेद है। धुंधकारी को यह पता था कि मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, अगर नियम पूर्वक मैं कथा सुनूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। उसने नियम से एकाग्र बैठ करके एक भाव से कथा सुनी, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। और बाकी जितने श्रोता बैठे थे, कभी कोई इधर देख रहा है, कभी कोई उधर देख रहा है, कभी पंडाल कैसा बन रहा है, कभी चेयर कितनी लगी है, ये भाव जा रहा है। तो श्रवण श्रवण में भेद है, अंतर है। श्रवण से भी भेद है ना। कथा अगर मन से एकाग्र भाव से सुनेंगे तो विमान सबके लिए आएगा। एक उदाहरण दिया, श्रोता सोता सरोता। श्रोता कौन होता है? जो कथा को सुने वो श्रोता, और सोता तो सब जानते हैं, बहुत से लोग सो भी रहे होंगे आगे पीछे बैठ करके। जो कथा में आकर के बढ़िया मन मस्त नींद ले उसे सोता कहते हैं, और सरोता जो कथा में आए बैठ करके, अरे पंडाल अभी टेढ़ा बना है, इसको सीधा बनना चाहिए था, अभी आयोजकों ने थोड़ी व्यवस्थाएं कम की हैं, थोड़ी और अच्छी करनी चाहिए थी, जो सुपारी की तरह कतर कतर करता रहे, यही सरोता है। ये 3 है, इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्रोता। अब बताया, बोले महाराज ये कैसे? बोले, एक स्वर्णकार थे, एक जौहरी थे, उन्होंने एक प्रतिमा बनाई, भगवान श्री हरि की वो प्रतिमा थी, भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। बोले, एक प्रतिमा 5 करोड़ की और एक प्रतिमा 5,000 की, सामने नुमाइश में लगा दिया। जौहरी जितने भी थे सेठ सब आए खरीदने के लिए। बोले, महाराज इसमें अंतर क्या है? बोले, प्रतिमा भगवान विष्णु की ये भी है, भगवान विष्णु की ये भी है, दोनों एक प्रतिमा है। जो धातु ये है वही धातु ये भी है, लेकिन कीमत का फेर है, एक तो 5 करोड़ की, एक 5,000 की। बोले, महाराज ऐसा कैसा? तो एक उसमें प्रबुद्ध संत थे, संत समझ गए बात को कि अंतर क्या हो सकता है। बोले, मैं बताता हूं कि अंतर क्या है। बोले, क्या अंतर है आप बताएं। उन्होंने एक सुतली ली और सुतली को बराबर किया, और उस प्रतिमा के कान से, कान छिद्र से, इस तरफ से सुतली इस तरफ डाली, वो सीधे इस पार से होकर के उस पार निकल गई। बोले, महाराज ये है 5,000 की। दूसरी बार फिर ली सुतली को लेकर के, जैसे कान पे प्रवेश किया दूसरी प्रतिमा में,
वो सीधे कर्ण से कान से होते हुए सीधे अंदर चले गए। बोले महाराज ये 5 करोड़ की। बोले ऐसे कैसे? बोले जो सुन करके इधर से इधर निकाल दे वो है सोता, और जो सुन करके मनन कर ले वो है श्रोता। तो श्रोता तो बहुमूल्य है। तो भगवान की कथा को श्रवण करके मनन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से धुंधकारी ने जब कथा श्रवण की विमान आया, विमान पर बैठ करके धुंधकारी गोलोक धाम पर गए। पुनः गोकर्ण जी ने फिर भागवत का आयोजन किया, और जब भागवत का आयोजन किया तो दूर दूर से लोग आए, पशु पक्षी भी आए कथा श्रवण करने के लिए। और एकाग्र भाव से मन को एकाग्र करके 7 दिन कथा जैसे श्रवण की, 7वें दिन जिस प्रकार राम जी सह परिकर के साथ में गोलोक धाम गए थे, उसी प्रकार भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, अनेकों विमान प्रकट हो गए और कहा आओ सभी इस विमान पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही इधर सनत कुमारों ने यह कथा श्रवण कराई तो वह जर्जर अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित नाचने लगे, ताता थैया करके पुष्ट हो गए और सब जय जयकार करने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा कि आप सभी को क्या चाहिए, वरदान मांगिए। तब सभी श्रोता समाज ने यही कहा। बोले महाराज जब जब कथा हो तब तब आप सदैव वहां पर विराजमान रहे, यही हमें चाहिए। तथास्तु कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सब लोग भाव से मिलकर के कीर्तन करने लगे। आइए हम भी श्रवण करें। कथा के कुछ नियम बताए। नियम क्या है उसमें? सबसे बड़ा नियम यही है कि भाव होना चाहिए श्रोता के अंदर, वक्ता के प्रति भाव हो और वक्ता के प्रति श्रोता का भाव हो, वक्ता के प्रति यजमानों का भाव हो, और नियम से भाव से एकाग्र भाव से होकर के कथा श्रवण करें। लगे तो आप एक टाइम फलाहार करिए। वैसे तो नियम बताया गया कि घी पी करके कथा सुननी, लेकिन हम लोगों में ऐसी स्थिति नहीं है कि घी पी करके कथा सुने। एक टाइम फलाहार करिए, और आपको छौर कर्म नहीं करना है। जो मुख्य आयोजक, वैसे तो समस्त जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, किसी को ना करें, छौर कर्म ना करें। नियम पूर्वक 7 दिन तक आपको कथा श्रवण करनी है। इसी प्रकार बैठ करके छौर कर्म ना करें। सात्विक भोजन आपको लेना है और मनमस्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए एक आज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री बांके बिहारी की झांकी। भगवान श्री बांके बिहारी आपके शर्मुख हैं। ठाकुर जी का दर्शन करें, और सुंदर भगवान का दर्शन करते हुए इस भाव का आनंद ले, ताली सेवा करते हुए हमारे साथ में आइए मिलकर के सभी लोग। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
से नहीं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अरे बिहारी जी आए हैं, आप बैठे हुए हैं, भाव तो ये होना चाहिए कि ठाकुर जी के आगमन पर झूमना चाहिए। अरे यही समय है, झूमिए। हरि बोल। जब मतवारे रे मटके ये तारे तारे ने तेरे नैने, जब मतवारे मटके ये तारे तारे नैने, जब मतवारे मटके ये तारे तारे तेरे नैने, जब मतवारे मटके ये तारे तारे तेरी तिरछ सी चितवनिया में, तेरी तिरछ सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ए बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार। जब मतवारी लग
आज की कथा को यहीं विश्राम, कल की कथा में हम और आप लोग श्रवण करेंगे महाभारत चरित्र, किस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लगता है और किस प्रकार राजा परीक्षित को श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी परीक्षित के सम्मुख पधारते हैं। यहाँ तक कि कल हम श्रवण करेंगे कथा, आज की कथा को यहीं विश्राम, अपनी वाणी को और हम सब लोग प्रेम से भाव से आरती करेंगे। श्रद्धे 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 बोलिए खाटू नरेश की जय। अरे भैया जय तो बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे वही ना, वो आदत ही क्या जो सुधर जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी लोग इस आरती में, भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। बिहारी जी का विग्रह सामने ले आइए, कुछ पंक्तियों के साथ पुनः रोज आना है। दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना, दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म सहने के लिए तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल दीवाना कहेगी तुमको, लेकिन आशिक बने हो प्यारे तो लगातार बने रहना। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रद्धे
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। प्रभु
शरण्यम पुष्पै देवादिवंदनम मंत्रपुष्पांजलम हरि ओम जगनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः शचन्द्रजत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीवंदगाम कुलचंबक पाटलब्जये पुण्य गजाधिकर वीरल साल पुष्पये विलव प्रवाल तुलसी धन मंजिरे भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति बहार पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं ग्रहण करो हे नाथ सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय मंडल मंडल सहिताय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारीलाल की जय राधा रानी सरकार की जय। बोलिए खाटू नरेश की जयकारा। तो मुलताई तक जाना चाहिए, मुलताई तक यही नहीं आ रहा है, वहां की क्या आशा करें। माइक के बिना आना चाहिए ना। लो जी की जय सतगुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये